न्यूज विजन में आपका स्वागत है। न्यूज विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए जिस मजबूती के साथ और जिस प्रतिबद्धता के साथ मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने कार्य किया है वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और उस विषय यह चुनाव देश के मतदाताओं के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना करके। भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप देखेंगे कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं रेलवे लाइन बिछ रही है, कहीं मेट्रो की लाइन बिछ रही है, कहीं वाटरवे बन रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं पर आईआईटी बन रही है, कहीं एम्स बन रहा है, कहीं फर्टिलाइजर कारखाना लग रहा है, कहीं पर चिकित्सालयों का निर्माण हो रहा है, कहीं महाविद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पॉलिटेक्निक का निर्माण हो रहा है, कहीं पर आईटीआई का निर्माण हो रहा है। ये जो व्यापक परिवर्तन करने का प्रयास हो, और सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारतीय जनता पार्टी 3 वर्ष के अंदर वह कार्य करके दिखा दी है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील होगी, आपके सांसद श्री हरीश द्विवेदी लगातार बस्ती के विकास के लिए प्रयास किए, लगातार यहां के नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन हो, किसानों के कल्याणकारी योजनाएं हो, गरीबों को मकान देने का कार्य हो, या फिर समाज जीवन में हर एक कार्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का हो, मखौड़ा धाम के सुंदरीकरण की योजना हो, या शहीद स्थलों को एक बार पुनः भारत की पुरातन गौरवशाली परंपरा के साथ जोड़ने का कार्य हो, जिस प्रखरता के साथ उन्होंने कार्य किया है, उन्हें एक बार फिर से बस्ती के अंदर मौका मिलना चाहिए, यही अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, इसलिए भी रोचक है क्योंकि मोदी जी पूरे देश के अंदर जीत रहे हैं, इसकी जनता को केवल ठगते रहे, जातिवाद का जहर घोलते रहे, सपा बसपा ये विकास के लिए जहर है, और मोदी जी आतंकवाद और देशद्रोहियों के लिए कहर है। यही तो अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आज जिन ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। भाइयों बहनों, जो कार्य 55 वर्षों तक कांग्रेस नहीं कर पाई, और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार 7 बार प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री होने के बावजूद जो कार्य ये लोग प्रदेश के अंदर नहीं कर पाए, अकेले मोदी जी ने 5 वर्ष में वो कार्य करके दिखा दिया। देश के अंदर 1.5 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, 4 करोड़ गरीबों को सौभाग्य योजना में शुल्क विद्युत कनेक्शन का मामला हो, 7 करोड़ गरीब महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, 9.5 करोड़ गरीब परिवारों को एक एक शौचालय की व्यवस्था, 12.5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि की धनराशि उपलब्ध कराने का मामला हो, या फिर 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना में आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का, 37 करोड़ गरीबों को बैंक में खाता खोलने का, और 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा देने का कार्य अगर किसी एक व्यक्ति ने किया है, वह नाम है नरेंद्र मोदी। जो पूरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लग रहे हैं, सपा बसपा की सरकारें करती हैं। भाइयों बहनों, एक और राजनीति में अपने स्वार्थों के लिए देश की सुरक्षा और जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस सपा बसपा है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबकी सुरक्षा, सबकी समृद्धि के संकल्प के साथ आपके बीच में आई है। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना था, मेरे पास हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण आए थे, इन्होंने मुझे बताया कि मुंडेरवा की चीनी मिल 25 वर्ष पहले बंद हो गई थी, पिछली सपा और बसपा की सरकारों में किसानों पर गोलियां चलती थी, ये चीनी मिल फिर से चली चल जाएगी तो वहां पर किसानों में खुशहाली हो जाएगी,
हमने कहा पुरानी चीनी मिल नहीं, नई चीनी मिल देंगे। और भाइयों बहनों, आज मुंडेरवा में नई चीनी मिल भी प्रारंभ हो चुकी है। एक दिन में 50,000 क्विंटल गन्ने की पिराई होगी, वहां पर फाइन शुगर बनेगा और आने वाले समय में शुगर केन से इथेनॉल बनाने की कार्रवाई भी होगी। वहां पर हम बिजली का उत्पादन भी करेंगे, पर्याप्त मात्रा में बिजली भी मिलेगी और साथ साथ यहां के नौजवानों के लिए नौकरी और किसानों को समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान भी होगा। भाइयों बहनों, मैं आज आपके बीच आया हूं कहने के लिए, मैं पूछना चाहता हूं बस्ती के लोगों से, आज आपको बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बिजली से संतुष्ट हैं? क्या सपा बसपा की सरकार आपको बिजली देती थी? क्या सपा बसपा की सरकार किसानों की फसल को खरीदती थी? आज तो बसपा की मुखिया पर एक FIR दर्ज हुआ है, क्योंकि उनकी सरकार के समय 21 चीनी मिले बिक गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और साथ साथ CAG ने भी गंभीर आपत्ति की थी। व्यापक घोटाला हुआ है। एक तरफ किसानों के पेट पर लात मारने वाली सपा बसपा की सरकारें हैं और दूसरी तरफ किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने मकान दिया तो कोई भेदभाव नहीं किया, हमने गरीब को शौचालय दिया कोई भेदभाव नहीं किया। मोदी सरकार, यानी मोदी सरकार देश के अंदर फिर से आए, यह जो जनता का, आम जन का संकल्प बन चुका है, उस संकल्प के साथ जोड़ने के लिए आज मैं बस्ती में आप सभी मतदाता भाइयों बहनों के साथ अपील करने के लिए यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, 5 वर्षों तक मोदी जी ने देश के अंदर जो परिश्रम किया, वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाया, भारत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को मजबूत किया, भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हुए और गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं मोदी जी देश के अंदर लेकर के आए, अगर इन चारों आयामों पर आप देखेंगे, किसी भी सरकार से आप तुलना कर दीजिए, 55 वर्षों तक कांग्रेस ने देश में शासन किया लेकिन देश का सम्मान बढ़ाने की बजाय देश के सम्मान को गिराया, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने की बजाय देश की सीमाओं को सुरक्षित किया और अपने कुशासन और अपने भ्रष्टाचार के कारण देश में आतंकवाद को, देश में नक्सलवाद को बढ़ाया। कांग्रेस ने देश के विकास को आगे बढ़ाने की बजाय इस देश में क्षेत्रवाद और भाषावाद का जहर घोलने का कार्य किया और देश के अंदर गरीबों के कल्याण की योजनाओं को लाने की बजाय गरीबों के हक पर डकैती डालने का कार्य अगर किसी ने किया तो कांग्रेस हो, सपा बसपा हो या फिर इससे जुड़े हुए जो दल हैं, इन लोगों ने अपने शासनकाल में यही किया। 55 वर्षों तक केंद्र में सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस प्रदेश में सर्वाधिक समय तक शासन करने और सपा बसपा में भी 7 बार